अगर आप पटना में हैं, तो बंगाली अखाड़े की माँ दुर्गा की पूजा जरूर देखें। यहाँ की पूजा और विधि बहुत ही खास है। दुर्गा पूजा का नाम लेते ही बरबसी मन में बंगाली रीति रिवाज से मनाई जाने वाली पूजा की तस्वीर सामने आ जाती है। सिंदूर खेला से लेकर माँ के लिए जुबान से शंख का उद्घोष करना, सब कुछ बहुत ही अनोखा और खास होता है। ऐसे में ईटीवी भारत आपको पटना के लंगर टोली इलाके में स्थापित बंगाली अखाड़ा की दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा पूजा के बारे में बताने जा रहा है। इस अखाड़े का इतिहास काफी खास है। 1874 में लोग इस मैदान में अखाड़ा खेला करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के दीवाने यहां अपनी रणनीति तैयार करते थे। 1893 से विधिवत बंगाली विधि से मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत यहां से की गई, जिसे अब 129 साल हो चुके हैं। आपको इसका नाम ओरिजिनल नाम है सूरदान पूजा सेलिब्रेशन कमेटी बंगाली अखाड़ा। ये 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय आज़ादी की लड़ाई में हम लोग का बहुत बड़ा मैंने हमारे पूर्वज का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ हम लोग के जिम में लोग यहाँ पहलवानी करते थे और आज़ादी की लड़ाई में लोग भाग लेते थे। अंग्रेज का छापा पड़ना शुरू हुआ, उस दरमियान जब छापा पड़ना शुरू हुआ तो यहाँ हुआ कि भाई हम लोग को दुर्गा पूजा करना चाहिए, जिसके वजह से है कि मंदिर में लोग आ रहे जा रहे हैं। तो 1893 में इसका पूजा शुरू हुआ। आज 129 साल हो रहा है हम लोग का बचने के लिए पूजा शुरू किया गया था, और उस पूजा के बाद से आज 129 साल हो रहा है इस बार हम लोग का पूजा का। और यहाँ का एक विशिष्ट यही है कि हर साल यहाँ नए नए ढंग से पूजा का पद्धति तो एक ही है बंगला पद्धति, लेकिन हमेशा पूजा में नया नया तरीका से जो है प्रसाद भोग का सिलसिला जो है यहाँ चलते मैंने चलता है। बंगाली पूजा के अनुसार बंगाली अखाड़ा में पंचमी के दिन कलश स्थापना होती है। पूजा कराने के लिए पंडित जी भी बंगाल से ही आते हैं। साथ ही यहाँ की मूर्ति का भी अपना विशेष महत्व है, कैसे आइए जानते हैं। ना हमारा गुरुजी यहाँ कालीबाड़ी में शुरू से पूजा की करते थे, तो हम उनका मैंने जब वो डिस्चार्ज मैंने लिख दिया हम करने नहीं सकेगा, उस टाइम से हमको पड़ रहा है 7-8 साल होगा ऐसा। अब कोरोना के चलते तो पहले साल आना नहीं सका, इस साल बुलाया तो हम आया। सब यहीं परंपरा चला रहा, हम लोग मूर्ति बनाते हुए मेरा दादाजी परदादाजी उसके बाद मेरा बाबूजी उसके बाद हम मेरा बाबूजी मेरा छोटा से लाया है पटना में, तो उनको जोड़े जोड़े धीरे धीरे काम हम लोग भी सीखे, तो वही आप बंगाली अखाड़ा में हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है यहाँ पर से, तो यहाँ हम लोग आते हैं बंगाल से यहाँ मूर्ति बनाने के लिए। तो जो भी है बंगाली अखाड़ा के आशीर्वाद है यहाँ के, और यहाँ के कड़कतरा जितना मेंबर है हम लोग के सेक्रेटरी साहब है वाइस प्रेसिडेंट है सब भी हम लोग का सहयोगिता करता है। बंगाली अखाड़े की पूजा को बंगाल से आए पंडित मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार का इतिहास सब कुछ बहुत खास बनाता है। इस साल कोरोना के कारण दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली अखाड़ा में आने वाले भक्त जनों के लिए पंडाल में एयर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। बंगाली अखाड़ा पूजा पंडाल में आने वाले भक्त जनों को 5 फीट दूर से ही माँ दुर्गा के दर्शन करने का प्रबंध भी किया गया है। और हाँ, अगर आप माँ के दर्शन के लिए आए तो फूल माला लाना ना भूलें। ईटीवी भारत के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।